यार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज से रिलेटेड सारी सारी चर्चाएं, सारी सारी वार्तालाप कर रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लास शेड्यूल बता दूँ। बेटा रोज रोज सुबह 9 बजे हमारी क्लासेस होती है यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। और वही अगर मैं बात करूँ थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को 6:30 बजे शाम में हमारी क्लासेस होती है, कहाँ पे? अन अकेडमी के प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके लिए आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। वही अगर आप मेरे कोई भी फ्री सेशंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो इस लिंक की मदद से आप मेरे पूरे फ्री सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जितने भी मैंने आज तक सेशंस लिया हूं उसकी वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है बेटा ये, और इस लिंक की मदद से आप मेरे पूरे सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज होती है बेटा, फ्री स्पेशल क्लासेस, जिसके लिए आपको अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है। और जब भी आप इस क्लासेस को देखना चाहे तो अगेन आप यहां पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए अब आज के सेशन की इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, CA फोकस अंजलि का कहना है, सर आपके नाम से कोई फेक आईडी बनाकर यूट्यूब में सबको कमेंट करता है। मैंने वो आपकी चीज देखा था बेटा, उसके अंदर तो उसने अपना नाम रखा था, सुजल करके कुछ तो भी ऐसा नाम था, मैं वो देखा था कल या परसों के ही कमेंट इसमें। तो अब वो फेक आईडी का खुद के नाम से वो कमेंट कर रहा है, वो ऐसा बोले कि मैं IG सर, तो उसके अंदर मतलब मैं क्या बताऊं यार, वो तो रीजनेबल डिलीजेंस जो व्यक्ति सोच रहा है उसको रहना चाहिए ना, आप ये सोचिए। चलिए आइए ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, कम ऑन एवरीवन, फोकस करेंगे के ऊपर ध्यान देंगे। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ यूनिट नंबर 3 से के स्टार्ट हमने स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 3 को पढ़ना चालू किया था। अब मैं अगर यूनिट नंबर 3 की बात करूं आपके साथ, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सेक्शन नंबर 11 देखा था। सेक्शन नंबर 11 के अंदर समझिए बात को, ध्यान दीजिए, सेक्शन नंबर 11 के अंदर क्या बोला गया है, सेक्शन नंबर 11 के अंदर बोला गया है क्या कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि तीन चीजें ऐसी होंगी जहां पे हम लोग बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्टी कंपिटेंट है। सबसे पहला, जब वो मेजॉरिटी की एज अटेंड कर लेता है। दूसरी वाली चीज, जब वो साउंड माइंड का है। और तीसरी वाली चीज बेटा, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, केपेबल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, ऐसा यहां पर बोला गया है। अब मैं मेजॉरिटी की बात करूं यहां पर आप लोगों के साथ, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल के बाली उम्र को अगर क्रॉस कर जाए, समझिए बात को ध्यान दीजिए, 18 साल के बाली उम्र को क्रॉस कर जाए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति को मेजर बोला जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेजर नहीं होता है, मतलब 18 साल के बाली उम्र को क्रॉस नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग माइनर कहते हैं। समझना बात को, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग माइनर कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हमने रूल्स पढ़ना चालू किए थे, बराबर, वो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हमने रूल्स पढ़ना चालू किए थे। और सबसे पहला रूल क्या था बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। फिर से, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, समझिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर बनाता है या माइनर करता है, तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। मतलब वो शुरुआत से वॉइड होता है। समझ रहे बात को, मतलब जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना बेटा, तब से वो वॉइड माना जाता है, ऐसा हम इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं। केस लॉ इसके अंदर था बोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस लॉ था, जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या देता है बेटा, मॉर्गेज करवाता है अपनी प्रॉपर्टी, और उसके बदले सामने वाले से पैसा मांगता है, मतलब लोन के तौर पर पैसा मांगता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्या हो जाती है चीजें, यहाँ पे जो धर्मदास घोष ने जो मॉर्गेज डीड दिया था बेटा, वो वॉइड माना जाता है, क्योंकि उस समय वो माइनर था। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं अगर बात करूं आपके साथ, सेकेंड वाला पॉइंट देखे थे, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। इस चीज का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब माइनर ने किया ना, जब वो माइनॉरिटी में था, मतलब 18 साल के उम्र के नीचे था, और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा, तो वो वॉइड माना जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को अब सब्सिक्वेंटली 18 साल के बाली उम्र को क्रॉस करने के बाद, मतलब जब वो मेजर हो जाता है, उसके बाद आप क्या उसको सब्सिक्वेंटली सुधार सकते हो क्या? नहीं सर, हम उसको सब्सिक्वेंटली नहीं सुधार सकते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ रहे जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं? परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया, सब कुछ एकदम जबरदस्त। चलिए आइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। अब नेक्स्ट वाली चीज कौन सी है?
सभी लोग ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाली चीज के ऊपर चलेंगे। थर्ड वाली चीज है बेटा क्या कि माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करके। अब इस चीज का मतलब क्या होता है समझिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि माइनर क्या है कि माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है या माइनर बेनिफिट लुफ्त उठा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का, समझ रहे बात को। अब इसका मतलब क्या होता है आइए मैं आपको पढ़वाता हूँ, ध्यान दीजिएगा सुनिएगा बात को। अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ, अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ क्या होता है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी का मतलब, तो इसमें इन लोगों का कहना है कि जो माइनर होता है ना, जो हमारा माइनर होता है, माइनर होता है, ओहो ओहो हाँ, जो हमारा माइनर होता है ना, ये माइनर व्यक्ति क्या बन सकता है, ये बेनिफिट्स के मजे ले सकता है, समझना बात को, ये बेनिफिट्स के मजे ले सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब सर इस चीज का क्या मतलब होता है कि वो बेनिफिट्स के मजे ले सकता है, मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो बेटा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वैसे तो उसको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के मजे नहीं मिल सकते, लेकिन अगर कोई दो दूसरे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझना, कोई दो दूसरे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर माइनर, जो माइनर है क्या वो बेनिफिट उठा सकता है दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उठा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल समझिए बात को, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, समझिए बात को, मैं याद कराऊंगा क्या, मॉम आप है ना मम्मी के साथ कहां जाते हो बेटा, आप मम्मी के साथ शॉपकीपर के पास जाते हो, समझ रहे बात को, शॉप में जाते हो शॉपकीपर के पास, आप वहां पे जाते हो, समझिए बात को, ध्यान दीजिए सुनिए बात को, देखो आपको वहां पे क्या मिलता है, आपको मान लीजिए हवा का पैकेट, आपको लेस का पैकेट मिलता है, समझ रहे, चिप्स कम हवा ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको यहां पे लेस का पैकेट मिलता है। मुझे आप एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा मम्मी और शॉपकीपर के बीच में, समझ रहे बात को, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मम्मी और शॉपकीपर के बीच में, लेकिन मजे किसने लिए? आपने लिए, भले आप माइनर थे, क्या आप माइनर में बेनिफिट्स उठा पाए बेटा दो लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का? बिल्कुल बिल्कुल उठा पाए। इस चीज को क्या बोला जाता है, माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट, दो एलिजिबल पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स अगर माइनर को मिलते हैं तो क्या ये चीज चलती है क्या? हां चलती है, इस चीज का आप ध्यान रखना। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखो यार पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है या पार्टनर्स लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बराबर ना। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करेंगे एग्रीड बिजनेस से। तो आप सभी लोग जानते हो, अब माइनर इतना तो तय हो गया कि माइनर अब पार्टनर नहीं बन सकता करके, क्यों? क्योंकि पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो माइनर इतनी बात तो तय है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई। और वो भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट बताइए ना, पार्टनरशिप वाला, मतलब माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये चीज तय हो गई। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बाकी पार्टनर्स, मतलब बाकी सारे के सारे पार्टनर्स ये सोचे कि ये माइनर जब आएगा ना तो हम इसे एडमिट करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब ये बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म को, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो ऐसे इसमें हम ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे ए बी सी और माइनर के बीच में, लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो ये लॉस को शेयर किया जाएगा केवल और केवल ए बी सी पार्टनर्स के बीच में, समझ रहे बात को। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल माइनर को केवल और केवल पैसा तब मिलेगा, माइनर को पैसा केवल तब मिलेगा बेटा जब कब, बोलो जल्दी से, जब कब प्रॉफिट होगा, मतलब नुकसान के केस में, नुकसान के केस में क्या माइनर को लॉस शेयर करने हम लोग बोलेंगे क्या? माइनर को हम लोग लॉस शेयर करने नहीं बोलेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या बोला जाता है? एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर सारे पार्टनर्स, मतलब ऑल पर्सन का कंसेंट, ऑल पार्टनर्स का कंसेंट अगर आपको मिलता है, जिसको नाम दिया गया है यूनानिमस कंसेंट अगर आपको मिलता है, तो बिल्कुल बिल्कुल माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसा यहां पे बोला गया है। क्या आप ये बात को समझे? अब सवाल ये उठता है
कि सर एक व्यक्ति माइनर को एडमिट करेगा क्यों, सीधी सी बात तो ये, एक व्यक्ति माइनर को क्यों एडमिट करेगा अपने फॉर्म में? ऐसा देखिए नॉर्मल केस में तो कोई नहीं करेगा, सीधी सी बात है, लेकिन अगर ये जो माइनर है ना बेटा, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, ये माइनर जब है ये फैमिली का हिस्सा है, ये तीनों पार्टनर्स जो है ना, नाम के लिए पार्टनर्स है, एक्चुअल में तो ये एक ही फैमिली के भाई भाई है, और ऐसे इसमें ये जो माइनर ये भी फैमिली का ही एक व्यक्ति है, तो उसको हमने ऐड कर लिया ताकि क्या होगा, प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इंडिविजुअल का जो टैक्सेशन इफेक्ट आएगा वो कम आएगा करके, समझ रहे बात को, ऐसी बहुत सारे। अब वो टैक्स के अंदर क्या होता है, वो बहुत बड़े बड़े मेजर कैलकुलेशन होते हैं, आपको उसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि क्लबिंग के प्रोविजन होते हैं और बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, वो एंटायरली दूसरा वाला पार्ट है जो आप सी एंटर में पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसको इसलिए ऐड कर दिया जाता है कि कुछ उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, समझ रहे बात को, ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज अडॉप्ट की जाती है, कोई भी लॉ को, तो जब तक बेनिफिट्स ना हो तब तक अडॉप्ट नहीं करते, एटलीस्ट इंडिया वाले है ना, तो हम तो नहीं करते। तो ये वाली चीज इसके अंदर फॉर श्योर है कि इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे, तब जाके बेटा पार्टनर्स को हम लोग टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हम ऐड कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, समझ रहे बात को। यस सर। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि माइनर जो होते हैं बेटा, माइनर को हम लोग बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिल्कुल, मतलब माइनर को क्या बेनिफिशियरी बना सकते हैं, क्या बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनर के टूवर्ड्स उसको बाउंड करने से रोक सकते हैं क्या? नहीं, मतलब कोई पर्सन माइनर को, जैसे अपने केस में शॉपकीपर माइनर को बाउंड हो रहा था लेस का पैकेट देने के लिए, क्या वो हो सकता है क्या? हाँ वो हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, समझ रहे बात को, एकदम जबरदस्त, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि माइनर क्या पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं, लेकिन माइनर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड हो सकता है क्या? कह दो मुझे हाँ सर हो सकता है करके, जल्दी से मुझे बोला हाँ सर हो सकता है, है ना। चलिए क्या मैं आगे बढ़ू, बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू, सभी लोग बोलेंगे, बोलो ना जल्दी जल्दी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, है ना। आइए अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, नेक्स्ट वाली चीज कौन सी है, देखिएगा सुनिएगा एकदम जोरदार तरीके से। देखिए, दो अ माइनर इज नॉट अ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड बाय द माइनर करके। मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि माइनर, समझिए बात को, माइनर कंपिटेंट व्यक्ति नहीं है, लेकिन नथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, समझना बात को, नथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रिवेंट द अदर पार्टी, कैन प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड टू अ माइनर। मतलब क्या कि दूसरी पार्टी क्या माइनर के टूवर्ड्स बाउंड हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, जैसे अपने केस में शॉपकीपर माइनर के टुवर्ड्स बाउंड हुआ, तो मैं कहूंगा कि यहां पे क्या चीजें चल गई, बिल्कुल बिल्कुल चली सर। उसके बाद देखिए, दस अ प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड एंड कैन बी सूड अपॉन बाय हिम करके। मतलब क्या, प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट में होता है बेटा, एक इश्यूअर होता है प्रॉमिसरी नोट का, जो ये कहता है कि ये प्रॉमिसरी नोट जिसके फेवर में होंगे ना, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं पैसे दूंगा करके, जितना भी उसके अंदर अमाउंट लिखा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई प्रॉमिसरी नोट माइनर के फेवर में आती है, तो माइनर उसको मना कर सकता है कि नहीं लेना प्रॉमिसरी नोट करके? ऐसा नहीं है, माइनर को फायदा है तो माइनर बिल्कुल कर सकता है, और माइनर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर केस भी कर सकता है अगर उसने प्रॉमिसरी नोट को नहीं दिया या फुलफिल नहीं किया तो, समझ रहे बात को। यस सर। बिकॉज ही दो इनकंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में येट टू एक्सेप्ट द बेनिफिट। मतलब क्या बोला, भले वो इनकंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या वो बेनिफिट्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ, वो बेनिफिट्स को बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा यहां पे बोला गया है। क्या आप चीज को समझे? कह दो मुझे हां सर समझे। उसके बाद देखिए, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब बोला गया यहां पे क्या, जल्दी से बोलिए ना, मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि जो माइनर है ना बेटा, ये माइनर है ना, समझिए बात को, ध्यान दे रहा है, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, ये पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट मिले बेटा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या वो ये बन सकता है, मुझे बताइए, क्या वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ऐड हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म के अंदर ऐड हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना जो यहां पे बोला गया है। क्या आप ये बात को समझे? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या आप इस चीज को समझे? जबरदस्त सर। आइएगा उसके बाद देखिएगा क्या, अ मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ माइनर, ही कैन गेट अ डिक्री फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द, डिक्री का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर लिख के रखो वहां पे, डिक्री का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर। तो ऐसे इसमें अगर आपने कोई पर्टिकुलर माइनर के फेवर में कोई चीज है, माइनर उसके अगेंस्ट, मतलब आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है कि देखो ये व्यक्ति मेरे को पैसे नहीं देता, या देखो ये व्यक्ति हमको पैसे, मतलब ये चीज नहीं देता है करके, समझ रहे बात को, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये बोला गया, ये दोनों मेजर है बेटा, मेजर अगर कॉन्ट्रैक्ट करे और उसका बेनिफिट अगर माइनर को पहुंचे तो चलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। क्या आप ये बात को समझे?
बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझे? परफेक्ट है, परफेक्ट है ना, एब्सोल्युटली परफेक्ट है ना। अकाउंट्स और इसका प्रॉमिसरी नोट सेम है बेटा, प्रॉमिसरी नोट तो प्रॉमिसरी नोट होता है ना, वो लॉ हो अकाउंट्स हो कोई मैथ्स भी हो तो उसके अंदर भी प्रॉमिसरी नोट का मतलब वही होने वाला है, ठीक है। जो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो वही प्रॉमिसर प्रॉमिसी वाला होता है और कोई अलग नहीं है, है ना। मैंने उसको केवल ये बोल दिया कि जिसने प्रॉमिसरी नोट इशू किया तो इशूअर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि नाम मैंने अलग दिया, समझना बात को। मानसी को मैं मानसा बोलूंगा तो क्या नाम चेंज होगा, मानसी चेंज हो जाएंगी क्या? नहीं ना, समझ रहे बात को, बस वैसा ही है और कुछ नहीं, ठीक है। आइए आइए चलिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनिए मित्र को ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो ना दोस्तों, मुझे बोलेंगे क्या मैं आगे चीज के ऊपर चलूं, मैं क्या आगे चीजों के ऊपर चलूं? बोलिए, तीन चीजें अपने हो चुकी है बेटा। सबसे पहला माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, दूसरा बेटा माइनर क्या बेनिफिट उठा सकता है, क्या बिल्कुल उठा सकता है, और सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन अलाउ नहीं होते माइनर के केस में। इस चीज का ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। कूल कूल कूल, सुपर कूल सर, सुपर कूल है ना। चलिए आइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, और नेक्स्ट वाली चीज कौन सी है? अब नेक्स्ट वाली चीज है, माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी के साथ बात करेंगे कि माइनर हमेशा हमेशा प्लेड करवा सकता है माइनॉरिटी, मतलब माइनर हमेशा बोल सकता है, समझिए बात को। ये प्लेड का मतलब क्या होता है? सुनिए मित्रों ध्यान दीजिए, ये प्लेड का मतलब क्या होता है? प्लेड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। सभी लोग बोलेंगे प्लेड का मतलब क्या होता है? गिड़। गिड़गिड़ाना, समझ रहे बात को। प्लेड का क्या मतलब होता है? प्लेड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना करके। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो इसका मतलब होता है कि माइनर हमेशा हमेशा गिड़गिड़ा सकता है अपने माइनॉरिटी के बारे में। मतलब मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनर के साथ, समझिए बेटा, माइनर ने क्या किया? माइनर ने सामने वाले को धोखा दिया। माइनर ने बताया कि मैं तो मेजर हूं करके, और सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। समझना बात को, सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप तो जानते हो कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, एनफोर्सेबल नहीं होगा, समझ रहे बात को। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति मेजर है, तो वो कोर्ट ऑफ वे में जाता है, और कोर्ट ऑफ लॉ में माइनर को बोला जाता है तुमने ऐसा गलत रिप्रेजेंटेशन किया। माइनर को जब ऐसा पूछा जाता है तो माइनर क्या बोलेगा? माइनर बोलेगा मैं तो भोला हूं, मैं तो नटखट हूं, मैं तो प्यारा हूं, मैं तो दुलारा हूं, मेरे साथ ऐसा करोगे, इतना बुरा करूंगे मेरे साथ, मैं तो छोटा हूं ना, समझ रहा, मैं तो छोटा हूं ना, 18 साल को क्रॉस नहीं किया ना, हो जाता है भोलेपन से, हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर माइनर हमेशा अपने माइनॉरिटी के बारे में गिड़गिड़ा सकता है, और उसके अंदर बेटा समझना शेल्टर ले सकता है, समझ रहे बात को, उसके अंदर शेल्टर ले सकता है। मतलब यह कहा जा रहा है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लेड फॉर माइनॉरिटी, और हमेशा वो इस पर्टिकुलर चीज से छूट जाएगा, मतलब उसको इस चीज का बेनिफिट ही होने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसको ये चीज का क्या होने वाला है? बोलो जल्दी से, उसको ये चीज का बेटा बेनिफिट ही होने वाला है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे देखिए यार, सीधी सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया है, अब वो माइनर के गलती से हो, माइनर के फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से हो, या किसी भी चीज से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगी एनफोर्स होने की, तो माइनर हमेशा ये स्टेटमेंट रख सकता है क्या? मैं तो बोला हूं, मैं तो नटखट हूं, मैं तो दुलार हूं, मैं तो प्यारा हूं, मेरे साथ ऐसा करोगे? माइनर ऐसा बोल सकता है? माइनर कैन ऑलवेज प्लेड फॉर माइनॉरिटी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हमेशा माइनर बोल सकता है, हमेशा माइनर बोल सकता है कि यार मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे साथ ऐसा, माइनर बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया, माइनर कैन ऑलवेज प्लेड फॉर माइनॉरिटी एंड नॉट स्टॉप टू डू सो इवन व्हेन ही हैज टेकन एनी लोन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज अ मेजर करके। मतलब क्या, माइनर अगर माइनर ने खुद को मेजर भी बताया है, माइनर ने खुद को ऐसा बताया है कि मैं तो यार बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मतलब मैं तो एलिजिबल हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर भी ऐसे सरकमस्टेंसेस के अंदर भी हम लोग ये कहेंगे बेटा कि यहाँ पे माइनर को ही शेल्टर मिलने वाला है, माइनर को ही बचाने वाले हैं, लॉ हमारा जो है वो माइनर को ही बचाने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, क्या आप ये बात को समझे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझे? यस यस यस। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए, रूल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर, इट मींस दैट ही इज अलाउड टू प्ली हिज माइनॉरिटी इन द डिफेंस करके। मतलब अब इस चीज का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको रूल ऑफ एस्टॉपल समझा देता हूं, और रूल ऑफ एस्टॉपल के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये पर्टिकुलर लाइन का उस चीज के अंदर क्या कंटेक्स्ट है करके, ठीक है। आ जाइए देखिए, रूल ऑफ एस्टॉपल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा, है ना, अच्छे से ध्यान देना। एस्टॉपल का मतलब होता है बताना जो नहीं है,
ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूं क्या, सुनो, देखिए मैं बात करूंगा आपके साथ, सुनिए मित्रों, मैं बात करूंगा आपके साथ किसकी, मैं आपके साथ बात करूंगा निखिल की, निखिल, ठीक है, निखिल, निखिल अभी 17 साल का है, समझना बात को, निखिल अभी 17 साल का है, बराबर, बिल्कुल बराबर, ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है सर। और निखिल क्या कर रहा है बेटा, निखिल अपनी आर्टिकलशिप कर रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है निखिल अपनी, ठीक है, और ये किसके अंडर कर रहा है, आईजी सर के अंडर कर रहा है, बराबर, ये मेरे अंडर आर्टिकलशिप कर रहा है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ आप लोगों, सर बहुत तोड़ चीज बता रहा हूँ मैं आपके साथ, क्या क्या सर बताइए ना, आईजी सर क्या है, ये वही कोड है जिसके ऊपर आज आखिरी दिन है 20% डिस्काउंट, है ना, तो ऐसे सिच में आज, आज कौन सी तारीख है, 22 जुलाई है बेटा, तो आज आखिरी दिन है 20% डिस्काउंट का, इस चीज का ध्यान रखना, तो आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। आइए देखिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, निखिल और मैं जाते हैं बेटा किसके पास, निखिल और मैं जाते हैं बैंक मैनेजर के पास, इसके साथ जाते हैं किसके पास जाते हैं, जल्दी से बोलो ना, बैंक मैनेजर के पास जाते हैं, ओके, परफेक्ट है सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। मैं कहता हूं मेरे को पर्सनल लोन लेना था बेटा, समझिए बात को, मेरे को पर्सनल लोन लेना था, ठीक है, मेरे को पर्सनल लोन लेना था अपने बिजनेस के ऊपर, तो ऐसे इसमें मैं मतलब पर्सनल लोन लेना था बिजनेस के ऊपर, वाह 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 वाह, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बिजनेस के ऊपर लोन लेना था, मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपको, पर समझ रहे बात को, तो बैंक मैनेजर मुझे बुलाता है, बैंक मेरे साथ कौन था, मेरे साथ निखिल भी था, क्योंकि उसके बाद हमको बाहर कहीं तो भी ऑडिट प्लेस के ऊपर जाना था, हमको ऑडिट करने जाना, बात को ध्यान रखिए, सुनिए बात को, है ना, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब सुनना मित्रों, अब सुनना, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो अब होता क्या है, अब होता ये है, क्या होता है सर, अब होता ये है बेटा, क्या होता है सर, अब होता ये है कि मैं जब जाता हूं बैंक मैनेजर के पास, बैंक मैनेजर कहता है कि सर आपको लोन नहीं मिल पाएगा, आपकी 10 रुपए की मंथली इनकम है, हम आपको कैसे लोन दे दे, हम आपको कैसे लोन दे दे, बताइए ना, हम आपको कैसे लोन देंगे, हम नहीं दे सकते आपको लोन। मैंने कहा मैनेजर सर देखिए ना, कुछ तो होता है, लेकिन मैनेजर सर निखिल को ऐसे घूर घूर के देखा जा रहा है। फिर मैनेजर सर कहते हैं अरे तुम तो वही हो ना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे करके, निखिल तुम तो वही हो ना करके, निखिल कहता है हाँ मैं वही हूँ। मैंने कहा अरे ये वो क्या, ये तो मेरा पार्टनर है मेरे इस फॉर्म में, समझे बात को, मेरा पार्टनर है मेरे इस फॉर्म में। निखिल कुछ नहीं कहता है, निखिल मुस्कुरा रहा है, निखिल कह रहा है वाह अच्छा लगा सर आपने पार्टनर बोला तो, निखिल मुस्कुरा रहा है, निखिल ने कुछ नहीं बोला बेटा, समझना बात को, निखिल ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर समझिए बात को, तो बैंक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, बैंक मैनेजर को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेटा निखिल और आईजी सर इस बिजनेस में पार्टनर है, तो इनके पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, तो मेरा पैसा तो डूब ही नहीं सकता। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, बैंक मैनेजर मुझे लोन देता है इस बेसिस पे कि निखिल मेरा पार्टनर है करके, समझना। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसा क्या कह सकता हूं, क्या मैंने स्टॉप किया या निखिल ने ऐसा बताया कि वो पार्टनर नहीं है, फिर होने के बावजूद भी उसने ऐसा बताया कि मैं पार्टनर हूं करके, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोलिए जल्दी से। हां सर मैं ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूं कि निखिल ने ऐसे बताया कि वो पार्टनर है जबकि एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। तो समझना कल चल के अगर मेरी फर्म डूबी, कल चल के अगर समझना ये बिजनेस डूबा, है ना, ये जो बिजनेस है बेटा ये बिजनेस डूबा, तो बैंक अगर बैंक वाली क्या करेंगी, बैंक वाली बेटा माइनर से भी पैसे वसूल करेंगे इस चीज का, माइनर बोल रहा हूं सॉरी, निखिल से भी पैसे वसूल करेंगे अगर निखिल मेरा पार्टनर हो, अगर निखिल यहां पे मेजर होता तो। लेकिन क्योंकि निखिल यहां पे मेजर नहीं है, इसलिए बैंक वाले जो है वो निखिल के पास नहीं जाएंगे। लेकिन गलती से अगर निखिल 19 साल का होता ना बेटा, तो समझिए ये जो लोन का पैसा था जो मुझसे रिकवर नहीं हो पाया, क्या वो निखिल से भी रिकवर किया जा सकता था क्या? हाँ, रिकवर किया जा सकता था। इसको रूल ऑफ एस्टॉपल बोला जाता है, इसको पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं, समझ रहे हैं बात को, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या हुआ, क्योंकि निखिल माइनर था, क्योंकि निखिल माइनर था इसलिए निखिल बच गया। लेकिन अगर निखिल बड़ा होता, अभी 18 साल को क्रॉस कर गया होता, तो निखिल क्या फंस जाता क्या? बिल्कुल बिल्कुल निखिल फंस जाता, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो जल्दी से बताइए मुझे कि आप इस चीज को समझ गए क्या, फटाफट बोलेंगे मुझे, है ना। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति भली वो पार्टनर नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट करवाते हैं थर्ड व्यक्ति के टुवर्ड्स कि ये हमारा पार्टनर है। उसके कारण अगर सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो ये पार्टनर जो ये व्यक्ति है जिसको अपन पार्टनर बता रहे, वो भी जिम्मेवार हो जाता है, वो भी लायबल हो जाता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी करके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे निखिल माइनर था, इसलिए ही बस वो जिम्मेवार नहीं है, या इसीलिए मैं कह सकता हूं कि उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं हो रहा। बाकी तो बेटा अदरवाइज रूल ऑफ एस्टॉपल लग जाता था, ऐसा यहां पे बोला गया है। क्या आप ये बात को समझे?
बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ? यहाँ पे देखिए, रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर, इट मींस दैट इट कैन बी अलाउड टू प्ली हिज माइनॉरिटी इन द डिफेंस करके। मतलब क्या, वो हमेशा हमेशा अपने माइनॉरिटी को अपने डिफेंस में क्या यूज कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्या आप ये बात को समझ गए दोस्तों? चलिए आइएगा नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे एकदम जोरदार तरीके से। देखिए कौन सा, अब मैं आपके साथ बात करूंगा फिफ्थ वाला पॉइंट, दैट इज लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज करके। अब ये लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी क्या है, आइएगा ध्यान दीजिएगा सुनिएगा मित्रों। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सर अगर 17 के एज में किया बाद में फॉर्म डूबे पर 18 का हो गया तो भी नॉट लायबल, तो भी नॉट लायबल। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब एग्रीमेंट हुआ था, तब वो 17 साल का ही था ना, तब वो माइनर था ना। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस समय एग्रीमेंट हो रहा है, तब की आपको डेट देखना है, तब की चीजें देखना है। वो शुरुआत से ही वो एग्रीमेंट्स माइनर के लिए वॉइड होंगे, माइनर के ऊपर एनफोर्सेबल नहीं होंगे शुरुआत से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बेसिक वाली जो पुरानी चीजें उसको भूलिए मत, वॉइड एब इनिशियो का कंसेप्ट पुराना ही है, उसको भूलना नहीं है आपको, राइट हो? यस। आइएगा ध्यान दीजिएगा, सुनिए सुनिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, क्या मैं अगर बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाली चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब कौन सा बेटा, अच्छा चलो मैं आपको एक बार ये फोर्थ वाला पॉइंट एक बार हल्के फुल्के में मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं कि क्या बोला मैंने। मैंने ये बोला बेटा यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर कि माइनर, माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे और उसमें अगर माइनर खुद धोखाधड़ी से, मतलब खुद फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके सामने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में खींच के लेके आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि माइनर इस माइनॉरिटी को प्लेड कर सकता है। मतलब माइनर बोल सकता है मैं तो भोला हूं, मैं तो कटू, मैं तो प्यार हूं। मतलब खुद की गलती हो या खुद की गलती ना हो, माइनर कैन ऑलवेज प्लेड फॉर माइनॉरिटी, ऐसा यहां पे बोला गया है। ये पहला पॉइंट। दूसरे वाले पॉइंट में बोला गया है कि मानो माइनर ऐसा रिप्रेजेंट करवाता है कि एस्टोपल, जिसको बोला जाता है एस्टोपल करके, तो एस्टोपल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या माइनर के ऊपर आने वाली है? क्या माइनर के ऊपर एस्टोपल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने वाली है? इस चीज का आप ध्यान रखना, ऐसा यहां पे कह रहा है। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? यस, ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब मैं बात करूंगा लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी से रिलेटेड, इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरी? आइए पढ़ते हैं इस चीज को एकदम जोरदार तरीके से, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं आपके साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ठीक है, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, क्या कि अगर आपको मेरे पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट या कोई भी चीज़, आपको बाकी लेक्चर्स भी, अगर मेरे पुराने लेक्चर्स बीसीआर के, अगर आपको सारी चीज़ें देखना है, तो उसकी वीडियो लाइब्रेरी की लिंक बेटा bit.ly/igsirlive, इसको स्मॉल में आप URL की जगह पेस्ट कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे माय वीडियो लाइब्रेरी देखेंगे, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी मेरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के पूरे सेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो मैंने अभी तक पास्ट इसमें लिया था, जो मैं अभी लेने वाला हूँ, सारे इसके ट्रैकर पूरा अवेलेबल होता है, तो आप बढ़िया ढंग से उस चीज को चेक कर सकते हैं, bit.ly/igsirlive वाला, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज करके। अब ये लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज का क्या मतलब होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये नेसेसरी का मतलब होता है जरूरत की चीजें। क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, जरूरत की चीजों को क्या बोला जाता है? जरूरत की चीजों को बोला जाता है नेसेसरी। क्या बोला जाता है, जल्दी से बोलो, नेसेसरी करके, ऐसा हम लोग कहते हैं। क्या आप ये बात को समझे? यस सर। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनिए मित्रों ध्यान देंगे, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब ये कहना क्या चाहता है, पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं और उसके बाद मैं आपको दूसरी चीजें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं अगर कहूँ आपके साथ, एक है बेटा यहाँ पे, कौन, ये हूँ मैं मेरी बात करता हूँ यहाँ पे, ये है आईजी सर, समझ रहे बात को? और आप तो जानते हैं बेटा मैं कौन हूँ, मैं तो मेजर हूँ, है ना, बराबर 50 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, 24 by age एंड 16 by heart, है ना, तो मेरे को माइनर नहीं बोलेंगे, 16 by heart हूँ लेकिन 24 by age है ना, तो ऐसे इसमें मैं कहूँगा मैं मेजर हूँ करके, समझ रहे बात को? चलिए आइए ध्यान दीजिए, तो अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो यहाँ पे आईजी सर मैं क्या करता हूँ, समझिए बात को, मैं एक माइनर को, सुनो ना बात को ध्यान दीजिए, मैं एक माइनर को क्या करता हूं, मैं बेटा माइनर को गुड्स सप्लाई करता हूं, मैं माइनर को कुछ सप्लाई करता हूं, गुड्स सप्लाई करता हूं, समझिए बात को, गुड्स सप्लाई करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात यह है
कि माइनर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, मतलब मैं माइनर को कुछ बली सप्लाई करूं, बली माइनर उसके मजे ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन माइनर क्या मुझे उसके पैसे देने वाला है क्या नहीं देने वाला है, और मैं क्या रिकवर करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाऊंगा, क्या मैं कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं जा पाऊंगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ये पर्टिकुलर चीज होती है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर वॉइड एब इनिशियो कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा पाओगे करके। बराबर, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन आप समझिए बेटा, ध्यान दीजिए, अगर माइनर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसके अंदर आप माइनर को जरूरत की चीजें देते हो, क्या कह रहा हूं मैं, माइनर को जो नेसेसरी है, जो माइनर के लिए जीवन में, समझिए जीवन जीने के लिए जो माइनर के लिए नेसेसरी चीजें, रोटी कपड़ा मकान वाईफाई, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, माइनर के लिए जो जरूरत की चीजें है आप अगर वो सप्लाई करते हो माइनर को, अगर आप वो सप्लाई करते हो माइनर को, तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं बेटा कि लॉ ने अलाउ करना चाहिए कि ये जरूरत के चीजों की वैल्यू, ये जरूरत के चीजों की वैल्यू आप रिकवर कर सको करके। हाँ सर, तो लॉ ने बिल्कुल बिल्कुल कहा है कि ऐसी चीजों की वैल्यू आप रिकवर कर सकते हो बेटा जो जरूरत की चीजों की, मतलब माइनर को अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया तो आप माइनर से उस चीज का, उस नेसेसरी का, समझना ध्यान रखना, उस नेसेसरी का क्या कर सकते हो, वैल्यू रिकवर कर सकते हो, वो नेसेसरी की वैल्यू रिकवर कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो क्या, आप ये कहने की कोशिश, देखिए समझिए बात को, ध्यान दीजिए, नेसेसरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो लगा वो नेसेसरी बन गया करके, ऐसा नहीं होता। नेसेसरी का मतलब होता है जो माइनर के लिए अति आवश्यक चीज है, जैसे एजुकेशन, जैसे रोटी, जैसे कपड़ा, जैसे रहने के लिए घर, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आवश्यक चीजें होती है एक जीवन में। अगर मैं बात करूं कोरू चल रहा है बेटा, तो ऐसे इसमें ऑनलाइन पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए मोबाइल फोन दिया, ये भी नेसेसरी का पार्ट बनेगा फिर, है ना। डिपेंड करता है ये सरकमस्टांस कौन से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेसेसरी क्या है करके, समझ रहे बात को, उसके ऊपर प्योरली डिपेंड करता है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब मैं आपके साथ कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर आपने माइनर को जरूरत की चीजें, जरूरत की चीजें क्या दिए, जरूरत की, सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें दिए, तो आप वो रिकवर कर सकते हो। सर कब रिकवर कर सकते हैं, माइनर है तभी रिकवर कर सकते हैं कि मेजर होने के बाद, आप माइनर है तभी रिकवर कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि समझिए बात को, ध्यान दीजिए, जो वॉइड एब इनिशियो वाली चीज थी ना, उसका एक्सेप्शन के तौर पर है वैल्यू ऑफ नेसेसरी सप्लाइड करके। मतलब अगर आपने माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया तो आप माइनर से पैसा रिकवर कर पाएंगे, वो भी कितना, जो वैल्यू ऑफ नेसेसरी का है, इस चीज का ध्यान रखना, जो वैल्यू ऑफ नेसेसरीज है ना वो आप रिकवर कर पाएंगे, ऐसा मैं आपके साथ कह रहा हूं। लेकिन कितना, अब समझिए बात को, ध्यान दीजिए, जो वैल्यू है ना, समझिए बात को, ये वैल्यू है ये केवल और केवल आप माइनर के प्रॉपर्टी से रिकवर कर पाएंगे। अब माइनर के प्रॉपर्टी से रिकवर कर पाएंगे का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर माइनर के पास उतना पैसा है या माइनर के पास उतनी प्रॉपर्टी है, मतलब उतने के माइनर के पास असेट है, तो केवल और केवल तब आप रिकवर कर पाएंगे, उसके अलावा आप रिकवर नहीं कर सकते, समझ रहे बात को, उसके अलावा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैंने नेसेसरी सप्लाई किया सर, मान लीजिए 1,00,000 रुपए के, माइनर के पास असेट है 70,000 रुपए के, तो मैं रिकवर कितना कर पाऊंगा, आप रिकवर 70,000 कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ओ मतलब सर मैंने अगर माइनर को सप्लाई किया, मैंने माइनर को सप्लाई किया 10,000 रुपए, माइनर के पास है 70,000 रुपए, मैं रिकवर कितना कर पाऊंगा, 10,000 कर पाऊंगा, समझ रहे बात को। मतलब मैं आपके साथ कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप माइनर से पैसा रिकवर कर पाएंगे, लेकिन केवल और केवल तब जब उसके पास क्या हो, जब उसके पास प्रॉपर्टी हो। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप माइनर से नहीं रिकवर कर पाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों के साथ कह रहा हूं। क्या आप ये बात को समझे, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर परफेक्ट है क्या, जल्दी से बताइए मुझे, एब्सोल्युटली परफेक्ट है क्या, जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। अमन सर, अमन भाई मुझे एक बात बताइए कि अभी कर क्या सकते हैं हम लोग, मुझे एक बात बताइए, अभी हमारे हाथ में कुछ है, अभी तो हम रिजल्ट को अवेट ही कर सकते हैं ना, वो तो उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, तो अभी तो एज सच कोई डिसीजन ले नहीं सकता, क्योंकि जो मेहनत करना था, जो चीजें करनी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो कर चुके हैं, अब तो रिजल्ट अवेटेड है ना, तो हम लोग उसके बारे में अभी चर्चा कर नहीं सकते ना, जबरदस्ती क्यों चर्चा करें, सीधी सी बात तो ये आती है, पहली बात है ना। चलिए आइए।
ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो मैं क्या कहूंगा बोलो जल्दी से, मैं ये कहूंगा कि वैल्यू ऑफ नेसेसरी आप जितना सप्लाई करोगे ना केवल और केवल उतना रिकवर कर पाएंगे, उसके अलावा आप कोई चीज को रिकवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो वैल्यू ऑफ नेसेसरी इसके अंदर दो चीजें पक्के से आती है, मतलब दो चीजें अगर आपको दिखी तो मतलब आग बंद करके उसको आप काउंट कर लोगे कौन सी चीज के अंदर, नेसेसरी के अंदर। सबसे पहला कौन सा बोलो जल्दी से, सबसे पहला है एक तो एजुकेशन का खर्चा और दूसरा फ्यूनरल का खर्चा। समझ रहे बात को, फ्यूनरल का भी बहुत बड़ा खर्चा होता है ना, वो ऐसे होते नहीं वो 12 दिन अपन आपने सुने होंगे ये वाली चीज, 12 दिन बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या बोलते हैं ये फ्यूनरल के खर्चे जो होते हैं ये भी एक प्रकार से नेसेसरी होता है और माइनर के प्रॉपर्टी से वो चीज रिकवर की जा सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझे बोलो जल्दी के बाद, क्या आप ये बात को समझे? यस सर यस सर यस सर। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है कि यहां पे सर मेजर होने के बाद भी रिकवर कर सकते हैं? नहीं रिकवर मतलब नहीं समझ रहा मैं क्या अरे कहना क्या चाहते हो, नहीं समझ, सही में नहीं समझ रहा है। देखो नेसेसरी है तो आप पहले भी रिकवर कर सकते हैं, माइनर तब भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आलतू फालतू चीज है तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा उस चीज का मतलब होता है। ठीक है चलिए आइए ध्यान दीजिए। और देखो इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू माइनर और टू एनी अदर पर्सन हुम सच माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, मतलब समझिए जैसे अगर मैं बात करूं दो भाई बहन है बेटा माइनर है ना, दोनों छोटे हैं माइनर है, समझिए इनके पेरेंट्स नहीं रहे तो ऐसे इसमें ये जो सिस्टर है आपको लगता नहीं ये तो माइनर के ऊपर डिपेंडेंट हो गई करके, सीधी सी बात है ना ये तो माइनर के ऊपर डिपेंडेंट हो गई करके, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा आप लोगों के साथ क्या, मैं ये कहूंगा आप लोगों के साथ कि यहाँ पे होता है कि ऐसे डिपेंडेंट पर्सन को भी अगर आप सप्लाई करते हो नेसेसरी तो भी आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है इज बाउंड टू सपोर्ट गवर्न बाय सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके। अब देखिए द क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू द माइनर इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्या बोला है कि अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया तो आप वो रिकवर कर सकते हो, मतलब उसका आप क्या क्लेम कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, और इसको ये enforceable है by law, मतलब law इसको allow करता है, ऐसा इन लोगों का कहना है कि law उसको allow कर सकता है, perfect है, yes sir। उसके बाद देखिए, but a minor is not liable for any price, कोई भी price के लिए liable हो जाएगा क्या minor? नहीं बेटा, केवल और केवल कितना? Not more than the value of necessary, जो necessary है उसकी जितनी value है बेटा, केवल और केवल उतनी value के लिए, समझना बात को, केवल और केवल उतनी value के लिए वो liable होगा, उससे ज्यादा के लिए क्या वो liable होने वाला है क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या-क्या देखा, द क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, और दूसरा क्या बोला, लेकिन अगर माइनर लायबल नहीं होगा कितने चीज के लिए, मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज, मतलब अगर आपने 100,000 के आर्टिकल सप्लाई किए, आप माइनर को कहते मेरे को 1.5 लाख रुपए दे दे, ऐसे कैसे दे दे, बिल्कुल नहीं दे दे, समझ रहे बात को, केवल और केवल 1,00,000 रुपए आपको दिया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप ये बात को समझे बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझे? यस सर। अब देखिएगा क्या बोला गया, देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर, ओनली इज प्रॉपर्टी इज लाइबल, केवल और केवल अगर उसके पास असेट है, केवल और केवल अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो वही चीजें लाइबल होने वाली है, उसके अलावा कोई दूसरी चीजें क्या लाइबल होंगी? नहीं सर, उसके अलावा दूसरी चीजें लाइबल नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है चलो परफेक्ट है एब्सोल्युटली, आइएगा ध्यान दीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। To render a minor estate liable for necessaries, two condition must be satisfied. अब क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि minor की property liable हो, आपने जो value of necessary supply किया है उस चीज के लिए, तो आपको दो condition को satisfy करना होगा। सबसे पहली condition कौन सी है देखिए, सबसे पहली condition बोली गई है contract must be for the goods necessary for the support station in the minor's life करके। मतलब क्या, माइनर के लिए जो वाकई नेसेसरी है ना, मतलब माइनर के लिए अपने जीवन में वो आवश्यक होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते माइनर को बीएमडब्ल्यू चाहिए था तो मैंने बीएमडब्ल्यू दे दिया करके, ऐसा नहीं, समझ रहे बात को, माइनर को आईफोन चाहिए था मैंने आईफोन दे दिया, ऐसा नहीं बेटा, समझना, नेसेसरीज का मतलब होता है जो वाकई माइनर के जीवन में वो आवश्यक चीजें थी, माइनर के जीवन में बहुत आवश्यक चीजें थी उसको नेसेसरी बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्या, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशियंट of necessary, minor के पास already 10 किलो बेटा समझना बात को चावल पड़े थे, आप बोलते ले
और 10 किलो चावल ही चावल खा करके, अरे ये क्या बात हो गई। माइनर को चावल पसंद है या उसके जीने के लिए जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास अबंडेंट सप्लाई होने के बाद भी आप केवल और केवल उसके प्रॉपर्टी में से पैसा ऐंठना चाहते हो तो आप धनाधन उसको सप्लाई कर रहे हैं, नेसेसरी ऐसी चीजें नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब मैं ये कह रहा हूं माइनर के पास अगर सफिशियंट सप्लाई है या माइनर के पास, समझिए ध्यान रखना, माइनर के पास अगर सफिशियंट सप्लाई नहीं है और माइनर के लिए वो चीजें वाकई बहुत जरूरी है, केवल और केवल तब बोलेंगे सब लोग, केवल और केवल तब सामने वाला व्यक्ति एनफोर्स कर सकता है। अदरवाइज सामने वाला व्यक्ति क्या एनफोर्स कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना, वो नहीं कर सकता। समझ रहे बात को, वो नहीं कर सकता, ऐसा मैं आप लोगों के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप ये बात को समझे, बोलो मुझे क्या आप ये बात को समझे। यस सर, है ना। तो ये वाली चीज हुई। अब देखिए क्या बोला गया यहां पे, देखिए नेसेसरीज मींस दोस थिंग्स दैट आर असेंशियली नीडेड बाय द माइनर, जो माइनर के लिए जरूरी होती है बेटा उस चीज को नेसेसरी बोला जाता है। अब सुनना बात को, ध्यान रखना, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या बोला गया, दे कैनॉट इंक्लूड लग्जरीज या कॉस्टली या अननेसेसरी आर्टिकल्स। इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर आप अननेसेसरी आर्टिकल्स डाल रहे हो या कॉस्टली आर्टिकल्स डाल रहे हो करके। नेसेसरीज एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग्स दैट रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन द क्लास ऑफ सोसाइटी to which infant belongs। मतलब क्या बोला यहाँ पे, ये बोला कि necessary का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हम एक छोटे बच्चे को supply करेंगे जिस class of society में वो रहता है। मतलब अम्बानी का बेटा है तो उसके लिए Mercedes भी क्या necessary बनेंगी, क्या बिल्कुल बनेंगी। समझिए बात को, अम्बानी का बेटा है तो उसके लिए पास्ता वो सब चीजें भी necessary बनेंगे, क्या बनेंगे। मैं आपके साथ यही की कोशिश कर रहा हूं कि necessary determine होता है जिस class of society, infant का मतलब होता है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा वो छोटा बच्चा जिस क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है उस क्लास ऑफ सोसाइटी में क्या क्या चीजें नेसेसरी है उसको आप वो सप्लाई करो तो आप रिकवर कर पाओ करके ऐसा यहां पे बोल दिया। मतलब मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कितना बड़ा ब्रॉड स्कोप कर दिया इन्होंने नेसेसरी का, है ना। ये वाली जो आखिरी वाली पंक्ति डाली ना उससे कितना ब्रॉड स्कोप कर दिया इन्होंने नेसेसरी का, आप खुद सोच के देखिए। आइए अब बात करूंगा आखिरी वाले स्टेटमेंट। देखो Expenses on minors education या funeral ceremonies come within the scope of the word necessary. The question turns upon the minor status in life utility rather than honorament is the creation. मतलब क्या बोला है कि minor के लिए वो कितनी आवश्यक है उस चीज को आपको देखना है और उसके basis पे आप judgment कर पाओगे कि ये वाली चीजें necessary है या ये वाली चीजें necessary नहीं है करके। समझ रहे बात को, तो ध्यान रखना ये वाली चीजें। मैं आ जाइए आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में 100% इसके ऊपर से सवाल आएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ क्या बोला गया यहां पे, ध्यान दीजिए सुनिए। अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है बेटा समझना, ये व्यक्ति का नाम क्या है, आईजी सर करके, ये वही कोड है ना। हाँ चलिए अब मैं अगर बात करूं इसने क्या किया, इसने माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया, माइनर को क्या किया बोलो, माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया मैंने, है ना, नेसेसरी सप्लाई किया, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं माइनर को अगर नेसेसरी सप्लाई कर रहा हूं 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, मैं माइनर से कितना पैसा रिकवर कर सकता हूं बोलो मुझे, मैं माइनर से रिकवर कितना कर सकता हूं, 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता, क्या मैं 1,01,000 रिकवर कर सकता हूं, नहीं, मैं केवल और केवल वैल्यू ऑफ नेसेसरीज रिकवर कर सकता हूं, उसके अलावा मैं कोई भी चीज को रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं माइनर के असेट, अगर मैं माइनर के असेट की बात करूं तो माइनर के असेट है बेटा 3 लाख रुपए के, माइनर के असेट है, समझिए बात को, माइनर के असेट है 3 लाख रुपए के, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या मैं 1 लाख रिकवर कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन अगर माइनर के असेट 90,000 के हैं तो मैं कितना रिकवर कर पाऊंगा, मैं केवल और केवल 90,000 रिकवर कर पाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब सर हम केवल और केवल 90,000 रिकवर कर पाएंगे क्या, हाँ हम केवल और केवल 90,000 रिकवर कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे बोला गया है, क्या आप ये बात को समझ गए। यस सर। अच्छा मुझे बताइए ये जो मैं नेसेसरी सप्लाई कर रहा हूँ ना इसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए बेटा। सबसे पहली बात तो ये माइनर के जीवन के लिए आवश्यक, मतलब वो नेसेसरी, सीधी सी बात है वो नेसेसरी, मैं जो भी सप्लाई करूँ पहला वो नेसेसरी हो, और दूसरा अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, और दूसरा क्या बोला गया है कि दूसरी वाली जो चीज़ है बेटा वो अबंडेंट सप्लाई में नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, अबंडेंट, है ना। हाँ अच्छा, ये रिकवर कब कर सकते हैं सर, जब वो माइनर है तब रिकवर कर सकते हैं क्या, ऑब्वियस तभी रिकवर कर सकते हैं सर, लेकिन पहले तो आप बोलते थे ना माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बिनिशो, उसका एक्सेप्शन है ये, उसका एक्सेप्शन है ये, इस चीज का ध्यान रखना, उसका एक्सेप्शन है। क्या आप ये बात को समझ गए, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए, परफेक्ट है, परफेक्ट है क्या सर?
सो होप सो ये सेशन आप लोगों के लिए एकदम फैंटास्टिक एकदम ऑसम रहा हो। मैं अगर बात करूँ आपके साथ तो जून एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी बेटा नवंबर से हमारी क्लासेस चालू हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट बैच को ज्वाइन कीजिए। एकाग्रता टीम से जुड़िए जहाँ पर आप हमको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे पूरे चीज़ों को कवर करवाते हैं सर। लेकिन अभी हम लोग ये सेशन जनवरी में देख रहे हैं, हो सकता है सर ये जनवरी मिड में हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हम लोग इसे अभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो पुरानी क्लासेस है आपके लिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, तो आप इसे रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और जो आने वाली क्लासेस होती है बेटा वो आप लाइव कर सकते हैं। जिस दिन आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसके बाद की क्लासेस आप लाइव देख सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले आप यहां पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मैं अगर बात करूं आपके साथ सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन के अंदर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है आइकॉनिक प्लस। के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सेम चीजें आइकॉनिक में। इसके अलावा मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और पूरे प्लस के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहां पे आईजी सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सीए फाउंडेशन के लॉ के साथ-साथ सीए इंटरमीडिएट का लॉ भी पढ़ाता हूं, मतलब कि आप यहां पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि आपके सीए फाउंडेशन के 4 और इंटरमीडिएट के 8, मतलब टोटल 12 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं यहां पे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर। सर मतलब ये कैसे वर्क करता है, ये ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने आज सब्सक्रिप्शन लिया 24 मंथ्स का, तो अगले 24 मंथ्स के लिए आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का एक्सेस मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि एक बार यहां पे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब यहां पे आपको केवल और केवल इसके बाद पढ़ाई फोकस आपका केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो आप यहां पे अगेन आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, राइट? तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन सी यू ऑल।